म्यांमार में विद्रोहियों पर वहां की सेना ने बड़ा प्रहार किया है। सैन्य हवाई हमले में 60 से ज्यादा विद्रोहियों को मारे जाने का दावा किया गया है। विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक तब की गई जब वो एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने आए थे। म्यांमार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर विद्रोहियों पर अटैक किया गया। हवाई हमले में आपको बता दें कि 60 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सेना ने यह स्ट्राइक किया और ये स्ट्राइक तब की गई जब एक वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए ये तमाम लोग जुटे थे। हवाई हमले में 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सेना की तरफ से स्ट्राइक और तस्वीरें भी सामने आई है तबाही की। इस स्ट्राइक के बाद किस तरह का मंजर वहां पर नजर आया, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। म्यांमार से खबर जहां पर विद्रोहियों पर अटैक किया। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में आपके लिए लड़ने में नंबर वन, आपकी आवाज बनने में जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1 जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1 आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। सभा ने काली पूजा में हिस्सा लिया, यहाँ जय मां काली संतान संघ में गरीबों को कपड़े बांटे गए। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है दीपावली, गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में हजारों दिए जलाए गए। 15,76,000 दिए जलाकर अयोध्या ने बनाया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम के सामने लाइट एंड साउंड शो में राम की पैड़ी पर दिखाई गई राम कथा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नरक चतुर्दशी के मौके पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा, महाकालेश्वर मंदिर में फुलझड़ी से की गई महाआरती। गुजरात के पावागढ़ में महाकाली के दर्शन के लिए उमड़े भक्त, पावागढ़ शक्तिपीठ में दिखी दीपावली की खास रौनक। दिवाली पर कोलकाता में काली पूजा की धूम, दक्षिणेश्वर के आदिपीठ काली मंदिर में मां काली की आरती की गई। दीपावली पर गोवा में लोग मना रहे हैं जश्न, पणजी में नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। दीपावली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंची, आनंद विहार नॉर्थ कैंपस में AQI बेहद खराब दर्ज किया गया।